लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड, हमें समय समय पर फॉरेस्ट फायर को चेक करना चाहिए। बड़े बड़े जंगल हैं, अमेजन जैसे बड़े बड़े जो जंगल हैं, इनमें हमें कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से या फिर दूसरे एप्लीकेशंस के माध्यम से हमें ये जानकारी अपडेट रखनी चाहिए कि कहीं पे फॉरेस्ट में आग तो नहीं है। फॉरेस्ट फायर हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर कॉस्ट ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल इन दैट एरिया। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती है वो केयरलेसनेस के चक्कर में होती है। लोगों की लोग ढंग से केयर नहीं करते वहाँ पे, है ना, कहीं भी आग जला देते हैं और वो बाद में आग बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। दे शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, पार्टिकुलरली व्हेन द ट्री शेड लीव्स। तो बिल्कुल स्मोकिंग और कुकिंग की वजह से बड़े क्षेत्र में ये फॉरेस्ट फायर फैल जाता है। जहाँ पे सूखी पत्तियाँ पड़ी होती हैं वहाँ जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। फॉरेस्ट को हमें इंसेक्ट और पेस्ट से भी बचाना होता है। द इन्फेक्टेड ट्रीज शुड बी रिमूव और ट्रीटेड विद सुटेबल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। जो इन्फेक्टेड पेड़ हैं उन्हें हम या तो अलग कर दें या उन्हें ट्रीट कर दें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के द्वारा। कंजर्व एयर लैंड एंड वाटर, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर लैंड एंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल सो दैट ट्री एंड अदर वेजिटेशंस कुड सर्वाइव। हमें पॉल्यूशन जो है एयर लैंड और वाटर का जो है कंट्रोल करना होगा, तभी तो जाके पेड़ जो हैं अदर वेजिटेशन अच्छे सर्वाइव कर पाएगा। इंडस्ट्रीज मस्ट बी आस्क टू एडॉप्ट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर। तो इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें मतलब उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल का मेजरमेंट है कि नहीं है, क्या आपके पास उचित व्यवस्था है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की। ऑल एक्टिविटी लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप। तो जितनी भी एक्टिविटी हैं जो कि सॉइल इरोजन करती हैं उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए। सॉइल इरोजन मीन्स मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव। व्हाइल कंस्ट्रक्शन डैम रोड एंड माइनिंग ऑल इकोनॉमिकल फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं जैसे कि डैम रोड माइनिंग ऑल इकोलॉजिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो इन सबको कंसिडर करना होगा आपको।